हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे तेरा एग्री पॉइंट पे। मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ्स। जैसे कि आपको पता ही है कि मैथ्स का एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है और 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। लेकिन फिर भी इस मैथ्स में बहुत सारी बैक्स आती है क्योंकि आपने 2 ईयर तक मैथ्स को पढ़ा नहीं होता 10th के बाद 11th 12th में। तो जैसे कि मेरे पास जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे उनके 100 out of 100 भी आए हैं कुछ के, और कुछ के 90+ मार्क्स गेन किए हैं। तो अगर आप भी एक मार्क्स गेन करना चाहते हो 90+ या 100 out of 100, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आपके जितने लाइक आएंगे उतने ही अच्छे से मैं और आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टॉपिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स आपके 35 to 40 मार्क्स की आती है, 35 to 40 मार्क्स की आती है, और ये इजी टॉपिक है। बस इसमें अगर आपको प्लस माइनस की अगर कोई मिस्टेक्स नहीं करते हैं आप लोग, तो आप इजीली ये जितने मार्क्स के आते हैं 35 के आए, 40 के आए, 36 के आए, वो इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको ये एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा टॉपिक करवा दूंगा, और आपको इसके साथ साथ टेलीग्राम मेरे चैनल पे एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा, आप वो वर्कशीट कर लीजिए तो आप इजीली से ये गेन कर लेंगे मार्क्स। चलो हम आगे चलते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें आनी चाहिए हमारे, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमें मैट्रिक्स करते हैं, जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशंस करते हैं या कुछ भी फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है ये साइन करते हैं पैदा, कि हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हमारा साइन आएगा क्या। तो मैं आपको एक बताता हूँ, जब भी हमारे दो साइन सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तब क्या होगा, हमेशा हम ऐड करेंगे। तो हमेशा हम ऐड करेंगे नंबर्स को, सम होंगे नंबर्स का, जब भी हमारे साइन दोनों सेम हो। और इसका उल्टा अगर हमारे साइन अपोजिट हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलो देखते हैं हम आगे। जैसे कि अपने पास 2+ का और 3+ का, तो साइन किसका आएगा, हमेशा अपने दोनों प्लस के हैं तो प्लस का। और मैंने बताया जैसे साइन सेम होंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा, 2+3 ये बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्लस का साइन। अगर यहीं अपने पास माइनस का साइन हो, 3-3 7, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है बच्चों की, तो ध्यान से देखना, -3 -7, तो इसमें क्या होगा कि अपने को, मैंने कहा कि जब सेम साइन होंगे तो एडिशन होगा, तो पहले तो एडिशन हो गया 7 3 10। अब इसमें ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें के अंदर जैसे कि ये माइनस का साइन और माइनस का साइन, तो हमेशा किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर ये -3 है, -7 है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब इसके उल्टा जैसे कि अपोजिट साइन, अगर यहाँ पे अपने 3 और 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 3-2 तो 1 आएगा, 3 में से 2 गए 1, लेकिन यहाँ पे साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वो आएगा। यहाँ पे 3 बड़ी है तो 3 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। इसका उल्टा अगर यहाँ पे अपने पास 2 यहाँ पे 1 होता, तो 2 -k और +k 1, तो सबसे पहले साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस हिसाब से ये चलते हैं प्लस माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं अपने माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब भी दो प्लस हो तो हमेशा प्लस प्लस क्या रहते हैं, प्लस, जब भी दो माइनस हो तब भी प्लस। यानी कहने की बात है कि जब भी अपने पास साइन सेम हो तो हमेशा किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर साइन अपोजिट हो तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। हमेशा अगर साइन सेम है तो प्लस का साइन, अगर साइन अपोजिट है तो साइन माइनस का आएगा। चलो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास -2 × -3 किया तो क्या आएगा, -−+, 3 × 2 = 6, तो इस हिसाब से हमारा -−+। जब भी साइन सेम हो साइन हमेशा पॉजिटिव, जब भी साइन अपोजिट हो तो हमेशा साइन माइनस का आएगा। ये थी कुछ आपकी बेसिक बातें। अब स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिक्स।
तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगल एरे। इसके अंदर हम रो एंड कॉलम के अंदर नंबर्स को रखते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के। तो रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, जो इस हिसाब से हमारे बनते हैं वो होती हैं हमारी रोस, और जो यूं वर्टिकली होते हैं वो हमारे होते हैं कॉलम, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो हमारी होती हैं रो, जो वर्टिकली होते हैं वो होते हैं कॉलम। तो कैसे होते हैं देखते हैं आगे। देखिए पहले अभी इसके आगे करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके आगे हम अपने करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप जो होता है वो होता है रो मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर एक रो या कुछ भी रो हो सकती हैं, रो ये होती हैं मैंने कहा था हॉरिजॉन्टली, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, तो ये अपनी क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। ये नहीं कि इसमें कॉलम नहीं है, इसमें भी कॉलम है ही है, ये रहा 1, 2, 3 कॉलम है ना। तो ये रो जिसमें ये रो मैट्रिक्स होती हैं वो होती है रो मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स सेकंड नंबर है आपके कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें यूँ कॉलम बना होता है 1, 2, 3। तो ये जो वर्टिकली आपका बन रहा है ये आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 ये आपका कॉलम हो गया। जैसे कि अपने कोई सिंपल सी मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो इस साइड हॉरिजॉन्टली बन रहे हैं वो हमारे हैं रोस। इसमें कितनी रो होगी, रो 1, रो 2। तो देखते हैं कॉलम कितने इसमें, C1, C2, C3। तो तीन कॉलम है। तो इसका अगर अपने साइज लिखे, ऑर्डर लिखे मैट्रिक्स का, तो हमेशा ऑर्डर में क्या होता है, आगे रो लिखी जाती है और पीछे कॉलम लिखे जाते हैं। तो रो कितनी है इसमें, 2, एंड कॉलम कितने है इसमें, 3। तो अपना ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, 2×3 के मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आती है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो हों, वो क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कहलाती है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। फिर आती है आइडेंटिटी यूनिट ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी सबसे पहली इसमें बात है, इसे आई से शो करते हैं, या तो इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसे आई से शो करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन भी आ रहा है तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा इसको आई लिख के दिया जाएगा। तो अपने को आई लिखा, देखते ही अपने देखेंगे कि उसमें बाकी मैट्रिक्स का क्या साइज है, तो उसी साइज़ की मैट्रिक्स अपने को ड्रॉ करनी होती है। जैसे इसके अंदर क्या साइज़ की मैट्रिक्स है, ये 2×2 की, क्योंकि इसी के अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 2 रो, ये है 3×3 की, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है कि यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, इसके अंदर जो ये डायगनल होती है, ये जो डायगनल होती है ये क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है। ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। ये डायगनल के एलिमेंट्स सारे 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। डायगनल यानी विकर्ण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 होते हैं, और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल्स टू 0 होते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सिर्फ आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कि जैसे न्यू टाइप आती है, न्यू टाइप में लिखा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, अपर और लोअर। अपर में क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ना ऊपर वाला, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स जो नीचे वाले बचेंगे वो होंगे इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगी अपर, यानी कि ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है जो उसके सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, 0 नहीं होंगे, इक्वल्स टू 0 नहीं होंगे ऊपर वाले एलिमेंट्स ट्रायंगल के, वो होगा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगल्स के अंदर कुछ ना कुछ होगा लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, वो होगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और ये ऊपर वाले नंबर सारे क्या होंगे, इक्वल्स टू 0 होंगे, वो होगा अपर और लोअर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपके मेन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसको ध्यान से देखना और समझना। देखो हमको एक क्वेश्चन दिया उसने,
क्वेश्चन ए, ए में एक मैट्रिक्स अपने को ड्रॉ कर दी 2 3 1 0, फिर बी में एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर दी 1 2 1 0, और उसने कहा कि फाइंड ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी फाइंड करने के लिए ए की जगह पे ए पुट कर दिया, बी की जगह पे बी पुट कर दिया, तो अपना क्या आ गया ए प्लस बी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी अपने दो मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके जो साइज़ होता है, जो उसका ऑर्डर होता है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जब भी इसका ऑर्डर इक्वल होगा, ये 2 × 2 की, ये भी 2 × 2 की है, तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तब हम उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमेशा एडिशन सेम पैलेस वैल्यू का सेम पैलेस वैल्यू के साथ होता है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सेम पैलेस वैल्यू का सेम पैलेस वैल्यू के साथ होगा। तो करते हैं अपने 2 यहाँ पे बीच में प्लस 1, 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2 आ गया, फिर 1 प्लस 1, फिर 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये अपने क्या थे, सारे नंबर्स। आगे देखते हैं, तो आगे देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 होते हैं, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0, तो ये अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन आएगा न्यू टाइप के अंदर, तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे देखते हैं अपने, अब फाइंड करना है अपने को ए माइनस बी। ए माइनस बी में भी क्या करेंगे, ए और बी की जगह पे अपने वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये थोड़ा मैंने शायद उल्टा लिख दिया, तो इसको यानी कि ए की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 1 1 वाली मैट्रिक्स को ही बना के लिख दिया है। यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अपने को सब्ट्रैक्शन करना है तो करते हैं सब्ट्रैक्शन। देखो रो का पहले वही सेम पोजीशन वाले सेम पोजीशन के साथ, 1 का 1 के साथ 1, साइन है माइनस का 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 2 1 माइनस 1, 0 माइनस 0, तो ये आ गया 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, तो ये अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 3 की मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो पहले क्या करना है अपने को, फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है। सेम है, पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी करेंगे। ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी रख दिया, फिर आगे इनका हम सम करते हैं। 2 प्लस माइनस 2, अब अगर इसके साथ कोई इसका साइन है तो वो यहाँ पे सेम का सेम साइन आएगा, फिर बीच में देना स्पेस, फिर अगला जो भी अपने पॉइंट है, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे है प्लस का 3, ठीक है, फिर 1, फिर है प्लस का 2, फिर 2, फिर है प्लस का 1, फिर 3, फिर है प्लस का 2, फिर 2, फिर प्लस का 3, फिर माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस का 1, फिर है 4 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 2, तो ये अपने आगे प्लस माइनस वगैरह वैल्यूज। अब आगे इसको सोल्व करते हैं अपने, देखो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। जब भी मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइन का होता है तो मैंने बताया था क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 माइनस 2, फिर माइनस 1 प्लस का 3, 1 प्लस 2 3 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, आगे माइनस 1 प्लस माइनस फिर वही माइनस, 4 प्लस 0 4,
एंड माइनस वन प्लस टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, क्योंकि जिसका बड़ी डिजिट होगी उसी का साइन आता है, तो यहाँ पे प्लस का टू बड़ा है तो प्लस का आ गया। फिर टू माइनस टू जीरो, माइनस वन थ्री, यहाँ पे भी जिसका बड़ा डिजिट उसी का साइन प्लस टू आ गया। फिर आगे देखते हैं थ्री टू जीरो थ्री फोर फाइव, ये अब देखते हैं अपने a माइनस बी फाइंड करके, a माइनस बी फाइंड करके। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, a और b की वैल्यूज पुट करनी है। a माइनस बी में ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, यहाँ पे अपनों ने पुट कर दी और बीच में साइन लगा दिया माइनस का। अब देखो टू माइनस टू सेम राइट कर दिया, माइनस वन माइनस थ्री, वन माइनस टू, टू माइनस वन, थ्री माइनस टू, टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस वन, फोर माइनस जीरो, माइनस थ्री, माइनस वन और माइनस टू। तो ये सेम पुट कर दिया। तो अब देखते हैं आगे, टू माइनस टू, ये देखिए यहाँ पे भी माइनस है ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस बाहर है। तो जब भी मैंने कहा सेम साइन होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या आता है पॉजिटिव, जैसे माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया अपना नंबर। ये देखिए टू प्लस टू, माइनस माइनस प्लस, माइनस वन माइनस के थ्री, माइनस का फोर, वन प्लस का माइनस के टू, माइनस का बड़ा तो साइन माइनस का, एंड टू में से वन गए वन, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का था माइनस का वन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर माइनस जीरो, माइनस वन माइनस टू, माइनस का थ्री। देखते हैं टू प्लस टू फोर, माइनस फोर सेम सेम नोट डाउन कर दिया, ये सेम नोट डाउन कर दिए, माइनस वन प्लस वन जीरो, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, फोर का फोर माइनस थ्री। अब आगे चलते हैं अपने, आगे है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी चीज़ का ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे अपने क्या करते हैं कि जैसे ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे रो है यहाँ पे कॉलम है, या तो अपने को कॉलम को रो में ट्रांसपोज कर देना होता है या रो का कॉलम में। तो करते हैं यहाँ पे, जैसे अपने पास रो दी हुई है ये, तो इसको अपने ट्रांसपोज कर देंगे यूँ वर्टिकली, यहाँ पे वन टू थ्री था, यहाँ पे भी अपना लिख दिया वन टू थ्री। तो इसको ट्रांसपोज के साइन को किससे शो करते हैं, ए की पावर टी से, या तो इससे या ए की पावर डैश से, इन दोनों साइन से इसको शो करते हैं। लेकिन एक और आता है वो होता है ए इनवर्स, इसका मतलब ट्रांसपोज नहीं होता ये इनवर्स होता है। तो यहाँ पे जैसे अपनों ने किया फाइंड क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले अपने को ए दे दिया, अब ए का ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, वन टू थ्री है यहाँ पे भी अपनों ने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। उसने कहा ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करना है, तो कर देते हैं अगेन ट्रांसपोज। तो अपने उन्हें अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। तो यानी कि इस रो को फिर कॉलम में चेंज किया, फिर इस रो को कॉलम में चेंज किया, फिर इस रो को कॉलम में चेंज किया, तो आप देखोगे ये सेम चीज़ बन जाएगी। अगर ए का ट्रांसपोज कहे तो ये आ गया, अगर उसका अगेन ट्रांसपोज कहे तो अपने वापस वही चीज़ बन जाती है। तो ये तो होता है अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी चीज़ का ट्रांसपोज करना। तो इस पर कोई क्वेश्चन देखते हैं आगे, जैसा अपने पास क्वेश्चन आया ए इक्वल्स क्या दे दिया, टू माइनस वन जीरो टू दे दिया। अब वो कहता है फाइंड करो ए प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस आई। अब आई आपको पता ही है, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जिसको अपने शो करते हैं यूँ, जिसके डायगोनल वन वन और बाकी एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो होते हैं।
तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ अपने सारी, ए की वैल्यू 2 - 1 2 0 2। अब ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 - 1 हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस आई, आई की वैल्यू 1 1 0 0, डायगनल के एलिमेंट्स 1, बाकी एलिमेंट्स 0 के इक्वल। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे इसका इसके साथ, तो 2 + 2 - 1 + 0 0 + - 1 2 + 2 आ गया, फिर माइनस वैल्यू 1 1 0 0 है, इसको भी कांस्टेंट रहने देंगे। अभी इसको सोल्व करते हैं, फिर 2 2 था तो ये हो जाएगा 4 - 1 0 - 1 रह जाएगा, 0 - 1 माइनस। जब भी अपने किसी भी चीज़ को जीरो में से माइनस या प्लस करते तो साइन वही आता है और वही डिजिट सीधा आती है, लेकिन अगर जीरो के साथ किसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। तो ये उन बातों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको नुकसान देती हैं। 2 + 2 - 4 - 1 0 - 1 2 + 2 - 4। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो करते हैं माइनस 4 - 1 - 1 0 - 1 - 0 4 - 1, तो 4 में से 1 गया 3, माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1, माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1, माइनस 1 4 माइनस 3 4 - 1 3, तो ये आपके आंसर आ गया किसका, ट्रांसपोज का, ए प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस आई का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए की वैल्यू दे दी 2 - 1 3 2 3 1 0 2 3। वो कहता है फाइंड करो 2a 5a, कुछ भी दे सकता है, 3a 2a 5a 1a, कुछ भी कह दे। तो अपना इसका मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, a के साथ हो रहा है। तो अपने पास जो भी वैल्यू होगी उसके साथ अपनों ने क्या कर देना, उस 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं 2, a की वैल्यू अपने पास है, पुट कर दी यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई इनके साथ कर दिया अंदर, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2। यूँ करके अपनों ने सारी ये मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दिया। अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस 2 होता तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते, जब भी अपने मल्टीप्लिकेशन करते माइनस को, है ना, माइनस 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का हो जाता, ये माइनस माइनस माइनस, तो सारे जो भी साइंस थे वो अपने चेंज हो जाते, जीरो के आगे माइनस प्लस कुछ भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यूँ चेंज हो जाते। तो ये आ गया अपना 2a। ऐसे ही अपने अगर 5a फाइंड करना हो तो 5a में भी वही 5a की वैल्यू पुट की और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यूँ करके अपनों ने 5a फाइंड कर लिया। तो ये तो है ईजी सी बात, लेकिन इसको अगर अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें, जैसे ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कोई, जैसे आप देखते हैं इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू अपने को दे दी, a = 2 - 1 3 0 2 - 1 2 3 - 1, और वो कहता है इफ़ 2a + 3i - b = 0 है, तो फाइंड करो वैल्यू b की। तो अपने को b फाइंड करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे देखो, पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन में जो भी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ ले जाएंगे और जो वैल्यू नहीं फाइंड करनी उसको एक दूसरी तरफ। तो अपने को यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, तो b को अपने इस साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है तो इधर आके ये किसका हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा, और बाकी वैल्यू सेम की सेम रह जाएंगी, 2a + 3i। अब क्या करना है अपने को, सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, और i अपने को पता है ये ऑर्डर कितना है इसका, 3 × 3 का है, तो अपने पास जो i आएगा वो भी क्या आएगा, 3 × 3 का ऑर्डर के मैट्रिक्स यहाँ पे अपने लगा देंगे। अपने को पता i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के यहाँ पे डायगनल्स के एलिमेंट्स 1 के इक्वल और बाकी एलिमेंट्स 0 के इक्वल, तो वही अपने यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखते हैं आगे करते हैं, यहाँ पे अपनों ने 2a की वैल्यू पुट की पहले, फिर अपनों ने 3i की वैल्यू पुट कर दी। अब 2 को क्या किया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2
माइनस टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू माइनस वन, बस ये कुछ नहीं किया इसको, टू को अंदर सभी के साथ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ऐसे ही थ्री का सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थ्री का वन के साथ वन, थ्री का जीरो के साथ, कोई भी जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा जीरो आता है, थ्री का अगर वन के साथ, फिर यहाँ पे थ्री थ्री आ जाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो ही रहेंगे, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा जीरो होता है। तो अब आगे क्या करना है, इनको सिर्फ अपने को सम करना है, बीच में साइन है प्लस का, अगर माइनस होता तो माइनस करते, प्लस है तो प्लस करेंगे। फोर थ्री सेवन, माइनस टू जीरो, ये सेम के सेम रहेंगे, सिक्स जीरो का जीरो के साथ जीरो, फोर थ्री सेवन है ना, फोर प्लस थ्री सेवन हो गया, वैसे ही माइनस टू, माइनस टू जीरो, माइनस टू फोर जीरो, फोर सिक्स प्लस सिक्स जीरो, सिक्स माइनस टू और प्लस का थ्री, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की, तो साइन किसका आया, प्लस का, टू में से थ्री गए वन, या थ्री में से टू गए तो वन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, वन। तो ये अपना क्वेश्चन था सिंपल सा, कि अपने को 2a प्लस 3i माइनस b फाइंड करना है, जब भी कोई वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है उसको ब्रैकेट के अपने इक्वल के उस साइड ले जानी है और बाकी वैल्यूज़ को सेम का सेम पुट कर देना है, और जो भी अपने को वैल्यू दिए हैं उसके अंदर अपने वैल्यू पुट करके अंदर उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी अपने को दिया हुआ। अगर यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अपना ऑर्डर हो वो सेम हो, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे 1 इंटू 3 की है, 3 इंटू 1 की है, तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसमें पैलस वैल्यू का पैलस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, ये भी जैसे अपने प्लस में तो क्या करते थे कि जैसे यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, 1 7 है, कुछ भी है, टू थ्री फोर वन, अगर इनको प्लस करना था सेम पैलेस वैल्यू को सेम पैलेस वैल्यू के साथ जोड़ देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है कि पूरी रो का पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, पूरी रो का पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से अपने रो का नंबर लेते हैं और यहाँ से अपने कॉलम का नंबर लेते हैं, तो रो यहाँ पे कितनी है, एक रो है तो वन आ गया, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है तो यहाँ पे भी वन आ गया, तो जो अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स का साइज ऑर्डर बनेगा वो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये आपके न्यू टाइप में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है, आपका ये 10 नंबर न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन करके। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं अपने, कि जो पहले मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे आप देखिए अपने उसको ही मैट्रिक्स दे दी m इंटू टू एंड 2 इंटू n दे दी मैट्रिक्स, अब वो कहता है कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा जो नई मैट्रिक्स आएगी। तो मैंने बताया आगे वाले से पहली जो मैट्रिक्स दी होगी उसका अपने रो और जो पीछे है उसका कॉलम, तो जो पीछे लिखे जाते हैं वो कॉलम होते हैं, जो आगे लिखे जाते हैं वो रो होती है। तो ले लेते हैं इसमें से रो ली, तो रो कितने यहाँ पे n m है, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं n, तो नए ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या बनेगी अपने पास, m इंटू n की बनेगी। ये एक नंबर में क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा कि आपसे ये नए ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या बनती है, तो अपने नए ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या बनेगी, m इंटू n, जो पहले मैट्रिक्स दी होगी उसमें से अपने को रो लेनी होती, जो पीछे मैट्रिक्स दी होगी उसमें से अपने को कॉलम लेना होगा। तो इसमें भी सेम है कि अपने पास ये रो है और ये कॉलम है, तो कॉलम और रो में से अगर अपने यहाँ पे देखें तो कितनी रो हैं, एक रो, और इसमें अगर कॉलम देखा जाए कितना है, एक कॉलम है, तो अपनी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 इंटू 1 ऑर्डर की बनेगी। तो देखते हैं कैसे बनती है, तो इसमें रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम के साथ, तो यहाँ पे रो है ये कॉलम है, तो रो का पूरी कॉलम के साथ करेंगे, 2 1 जा 2, फिर बीच में आता है प्लस का साइन हमेशा ही, फिर 1 इंटू माइनस 2, फिर 3 इंटू 3, बीच में हमेशा प्लस का साइन। अब देखो 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, जब भी मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में वो साइन अपोजिट हो तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस का 2, 2 1 जा 2, 3 3 ज़ा 9,
टू में से टू गए जीरो, तो अपने पास क्या आ गया नाइन, और ऑर्डर क्या बना वन इंटू वन। यही मैंने यहाँ पे आपको बताया था, वन इंटू वन के ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, थ्री इंटू वन, वन इंटू थ्री। तो सबसे पहले अपने को अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अपने को ये देखना है कि ऑर्डर क्या बनेगा। ए इक्वल्स ये दिया, बी इक्वल्स ये दिया, तो ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करना है यानी कि अपने को मल्टीप्लाई करना है, जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो अपने करते हैं आगे, यहाँ पे अपने को दिए हुए हैं रोल थ्री, तो अपने पास थ्री आ गया है ना। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, थ्री, तो यहाँ से थ्री आ गया। जो अपनी नई मैट्रिक्स बनेगी वो थ्री इंटू थ्री की बनेगी, और हमेशा ही रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो करते हैं, पहले अपने पास रो है ये, तो इसका मल्टीप्लाई किया थ्री का थ्री, वन के साथ वन इंटू थ्री, फिर बीच में स्पेस। अगर यहाँ पे आगे कोई रो में कुछ नहीं लिखा हुआ और कॉलम में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपना वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर बीच में प्लस नहीं आएगा। तो यहाँ पे रो का कॉलम के साथ किया, वन का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, फिर स्पेस, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ होगा, फिर वन इंटू माइनस टू, फिर स्पेस, फिर इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ होगा वन इंटू थ्री। यहाँ पे जितने भी रो दिए होंगे ना, यहाँ पे जितने भी रो दी होंगी, इन सभी रोज़ का क्या होगा कि एक एक बार जाके सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले एक रो उठाएंगे तो उसको जितने भी अपने पास कॉलम दिए होंगे उन सभी के साथ अपने को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर जैसे ही अपने दूसरी रो उठाएंगे फिर उसका भी क्या होगा, जितने भी अपने कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। फिर तीसरी रो उठाएंगे तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा कि जितने भी अपने पास कॉलम होंगे उनके साथ इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो करते हैं, अब टू का थ्री के साथ किया तो टू इंटू थ्री, फिर टू का माइनस टू के साथ किया तो यहाँ पे आ गया टू इंटू माइनस टू, फिर टू का थ्री के साथ किया टू इंटू थ्री आ गया। अब आगे देखें, अब तीसरे रो को उठाते हैं तो इसका भी सेम ही प्रोसीजर है कि तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, टू का थ्री के साथ, टू का माइनस टू के साथ, टू का थ्री के साथ, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता है आंसर देखते हैं आगे, वन इंटू थ्री थ्री, टू वन जा टू और माइनस प्लस माइनस, वन थ्री जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर प्लस माइनस माइनस फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू इंटू टू सिक्स, टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री सिक्स प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन आया, तो ये अपना आंसर हो गया। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये है जैसे इस क्वेश्चन में देखो, जैसे इसने कहा कि ए अपने पास ये है, बी अपने पास ये है, तो प्रूव दैट करना है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ये थ्री, ये अपने पास टू इंटू टू की मैट्रिक्स है, ऑर्डर है ना, टू इंटू टू का ऑर्डर है। अब देखो जो नया ऑर्डर बनेगा वो कितने का बनेगा, यहाँ से रो का लेंगे अपने टू, यहाँ से कॉलम का लेंगे टू, तो किसका ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, टू इंटू टू ऑर्डर की नई मैट्रिक्स बनेगी। तो इसमें अब देखो एक बात है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो ऐसे ही अपने को क्वेश्चन में चार नंबर में पूछा जाता है जब थ्री इंटू थ्री के ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होगी अपने को। यहाँ पे तो अपने को सिर्फ टू इंटू टू की दे रखी है, तो थ्री इंटू थ्री के ऑर्डर की दे के अपने को ये पूछेगा कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो सबसे पहले अपने को ए बी फाइंड करना होगा, ए बी अपना ये हो गया, तो करते हैं ए बी फाइंड। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू पुट कर दी अपनों ने, जो भी अपने पास वैल्यू थी, टू माइनस टू टू, थ्री टू थ्री माइनस वन टू। अब क्या करेंगे कि वही रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो करते हैं जो पहले नंबर पे होगा, पोजीशन पे होगा उसका पहले पोजीशन पे, जो दूसरे पोजीशन पे होगा उसका दूसरे पोजीशन वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए कैसे, टू टू ज़ा टू इंटू टू, फिर बीच में मैंने बताया प्लस का साइन आता है आ गया, फिर इसका माइनस टू का माइनस वन के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे आगे कोई ना रो में कुछ दिया हुआ है ना कॉलम में कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। अब अपने इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे बीच में स्पेस देकर, टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू टू, बीच में हमेशा साइन प्लस का,
तो फिर इस रो का काम हो गया ख़त्म, क्योंकि आप अपने पास आगे कोई भी कॉलम नहीं, अगर आगे कॉलम होता तो इसी रो का फिर उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता, पर अब नहीं है तो अपने यहीं पे इस रो का काम ख़त्म। अब दूसरी रो उठाएंगे, इस रो का फिर कॉलम के साथ करेंगे, टू इंटू टू, फिर बीच में साइन प्लस का, फिर थ्री इंटू माइनस वन, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ टू इंटू थ्री, फिर थ्री इंटू टू, बीच में साइन प्लस का। अब देखो टू टू ज़ा फोर, माइनस वन, टू और माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस, जब भी अपने पास दो साइन हो और बीच में कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में ये वैसे भी अपने दिखा ही रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हमेशा मैंने कहा था सेम साइन का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव नंबर आता है, तो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, टू टू ज़ा फोर, माइनस टू माइनस वन प्लस का टू, फिर करेंगे टू टू ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स एंड माइनस टू इंटू टू, माइनस टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखते हैं आगे, टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री, यहाँ पे टू इंटू थ्री, टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, कर देंगे फोर प्लस टू, यहाँ पे सिक्स आएगा, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस फोर टू, फोर माइनस थ्री वन, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, तो ये अपना ए बी आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, बी ए निकालना है, तो निकालते हैं बी ए। सबसे पहले बी की वैल्यू, अब यहाँ पे अपने ए की वैल्यू पहले पुट की थी, अब यहाँ पे अपने को बी ए निकालना है, तो बी की वैल्यू पहले पुट करेंगे और ए की वैल्यू उसके पीछे पुट करेंगे, तो बी ए तब निकलेगा बी ए। तो सेम ही है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो टू इंटू टू का है तो टू इंटू टू का है, तो टू इंटू टू की मैट्रिक्स बनेगी नहीं, तो करते हैं पहले वही रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा टू इंटू टू, फिर टू थ्री इंटू टू, वही मैंने बताया था कि जो सबसे आगे उसका पहले आगे वाले से, फिर जो पीछे वाला उसका पीछे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, टू इंटू टू, थ्री इंटू टू, फिर इसका पीछे वाले के साथ टू इंटू माइनस टू, थ्री इंटू थ्री, ये हो गया। फिर करते हैं दूसरी रो के साथ वही कॉलम के साथ, वन माइनस वन का टू के साथ मल्टीप्लाई, फिर टू का टू के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ, फिर यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, ये हो गया। अब आगे करते हैं, टू टू ज़ा फोर, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू प्लस का और माइनस का टू, तो प्लस माइनस माइनस का आएगा है ना साइन, तो माइनस के फोर, टू टू ज़ा माइनस फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस वन और टू, टू वन ज़ा टू, और माइनस का साइन तो माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, टू टू ज़ा फोर, प्लस का साइन माइनस माइनस प्लस, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो ये आ गया। अब इसको अपने जोड़ देना है, फोर प्लस सिक्स टेन, माइनस के फोर प्लस के नाइन, तो सबसे बड़ा क्या है नाइन, तो नाइन का प्लस, तो प्लस का साइन आएगा, तो माइनस फोर प्लस नाइन, नाइन में से फोर गए फाइव, फिर यहाँ पे टू, तो बड़ा क्या प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा, चार में से दो गए दो, सिक्स प्लस टू एट, तो ये दोनों साइज अपने सेम नहीं आए हैं यहाँ पे, अगर अपने देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो अपने क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ की ए नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूफ। अब इस क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, साइज क्या दिया हुआ है, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, तो यहाँ से अपने रो का उठाते हैं टू, यहाँ से अपने कॉलम का उठाते हैं, तो टू इंटू टू की नई मैट्रिक्स किसकी बनेगी, टू इंटू टू बनेगी, वही है रो का कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन फाइन। अपनों ने ए बी की वैल्यू रख दी, ए ये रहा बी ये रहा, तो वही रो का कॉलम के साथ करेंगे, तो करते हैं रो का कॉलम के साथ, टू का मल्टीप्लाई टू के साथ, माइनस टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, थ्री का मल्टीप्लाई वन के साथ,
और बीच में अपने हमेशा साइन प्लस के आते हैं, फिर उसके बाद जब इसका काम ख़त्म तो स्पेस का साइन देते हैं, स्पेस दे दिया फिर इस रो का दूसरे कॉलम के साथ, वही है जब तक एक रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता है तब तक उसी रो का करते हैं, फिर अपने दूसरी रो को उठाते हैं। तो इस रो का फिर करेंगे इसके साथ 2-1 मल्टीप्लाई माइनस 2 3 × 1 ये हो गया। फिर इसके बाद करते हैं सेकंड रो का 1 × 2 2 × 3 1 × 1 ये हो गया। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ 1-1 2 × 2 1 × 1 तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन अब कर देंगे 2 × 2 4 प्लस माइनस माइनस 6 3 × 2 = 6 और प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 प्लस का साइन है प्लस का रहेगा 3 × 1 = 3 आगे करते हैं। फिर 1 × 2 = 2 2 × 3 = 6 1 × 1 = 1 फिर करेंगे इसका 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आ गया 1 × 1 2 × 2 = 4 1 × 1 = 1 तो यहाँ पे 4 प्लस 3 7 और माइनस का 6 माइनस 2 माइनस 4 जब भी साइन सेम हो तो डिजिट जुड़ जाती है और साइन हमेशा माइनस का आता है 2 − −2 − 4 माइनस के 6 प्लस के 3 2 × 6 = 1 सबको जोड़ देंगे 2 × 6 = 8 और प्लस 1 = 9 माइनस 1 4 प्लस 1 5 7 माइनस 6 1 माइनस 6 प्लस 3 तो सबसे बड़ा डिजिट माइनस का तो साइन माइनस का माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो क्या आएगा माइनस के 3 और 9 का 9 माइनस के 1 प्लस का 5 तो क्या आ गया 4 आ गया अपने पास। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो कई बार वो अपने को मल्टीप्लिकेशन में कह देता है ए स्क्वायर फाइंड करो, है ना, ए स्क्वायर फाइंड करो। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है अपने को ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। जैसे अपने को कई बार कहते हैं 2 की स्क्वायर फाइंड करो, तो 2 की स्क्वायर अपने पास 4 आती है ना, जैसे ये कैसे आती है 2 × 2 करके आती है ना, तो इसको सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करने पे ही अपनी स्क्वायर फाइंड होती है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर ए की स्क्वायर दे दी तो इसका मतलब है कि ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करना है। मल्टीप्लिकेशन करने का रूल जो भी मैंने करवाया सेम रहेगा, लेकिन बस ए का मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा। और वो कहता है कि और एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है कि अपने को ए का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको अपने ट्रांसपोज कर देंगे ए को, और उसको भी इसके साथ लिख कर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई वही रहेगा रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ जैसे अपने करते आ रहे हैं। तो करते हैं पहले ए स्क्वायर फाइंड। तो ए स्क्वायर क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई ए, तो सेम ए का ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं रो का कॉलम के साथ, यहाँ पे भी 2 × 2 की हैं दोनों मैट्रिक्स, तो नई मैट्रिक्स भी किसकी बनेगी, 2 × 2 की बनेगी। जब साइज़ सेम होता है तो सेम साइज़ की ही मैट्रिक्स बनती है। तो करते हैं रो का कॉलम के साथ 2 × 2 = 2 −1 = 2 बीच में साइन प्लस का, फिर स्पेस जब इस रो के आगे कुछ नहीं बचता है, फिर इस रो का दूसरे कॉलम के साथ 2 × 1 = 2 और 2 − 1 −1 = 3 फिर इसी रो का, अब इस रो का काम ख़त्म, दूसरी रो को उठाते हैं 2 × 2 = 3 × 2 बीच में साइन प्लस का, फिर यही 2 × −1 3 × 3 बीच में साइन प्लस का, तो 2 × 2 = 4 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 1 सबसे पहले अपने को साइन ही देखने होते हैं कि साइन सोल्व करने, 2 के आगे प्लस है 1 के आगे माइनस है और बीच में प्लस है, तो प्लस 2 + 1 − 1 जैसे ही 1 − का आया अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन हमेशा माइनस के आते हैं तो माइनस रख दिया, यहाँ पे 4 − 2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे करते हैं इसका, करेंगे अब 2 × 1 =
टू प्लस माइनस 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 का टू आ गया, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, थ्री वन जा थ्री तो यहाँ पे भी माइनस का थ्री आ गया, तो टू टू ज़ा फोर, थ्री टू ज़ा सिक्स, दोनों पॉजिटिव नंबर थे तो पॉजिटिव में आ गए। यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, टू वन जा टू, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो ये भी सेम नंबर आ गए अपने नाइन। अब आगे करते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे फोर में से टू गए टू, माइनस टू और माइनस के थ्री, तो माइनस का फाइव आ जाएगा, फोर प्लस सिक्स टेन आ जाएगा, माइनस के टू प्लस के नाइन तो क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा। तो ये अब अपने को ए ट्रांसपोज करना है फाइंड पहले, तो ये अपने आप करना क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो सेम वैल्यू पुट कर देंगे पहले, ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी अपने को ए की वैल्यू दी है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है ट्रांसपोज से, है ना, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो अपने क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, टू माइनस वन और टू थ्री हो गया, टू माइनस वन टू थ्री हो गया। अब इनको क्या कर देना है, सिर्फ इसका ट्रांसपोज का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये अपने आप कर लेना क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो अपने आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, वो कहते हैं एक तो ए, एक इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करो और ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ए मल्टीप्लाई ए से करके, ये खुद करना, मैं आपको ये करवा देता हूँ कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए अपने पास दिया हुआ था, रख दिया अपनों ने ए, अब ए का ट्रांसपोज वही रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, साइन कोस, फिर इसका सेम। एक बात ध्यान में रखना, कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो, कोई भी साइन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ए हो बी हो, लेकिन जब उसने अपने को मल्टीप्लिकेशन का कह दिया है ना, जब मल्टीप्लाई करना है, जब उसने कह दिया कि मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ही रो का कॉलम के साथ होगा। सेम पैलेस वैल्यू कहीं तुम जोड़ते हो, जैसे सेम पैलेस वैल्यू का सेम पैलेस वैल्यू से करके नहीं छोड़ना है, हमेशा रो का कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसके अंदर करते हैं साइन और ये कोस है ना, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ, फिर बीच में प्लस आता है प्लस लगा दिए, फिर कोस का मल्टीप्लाई कोस के साथ, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ, और साइन का मल्टीप्लाई माइनस कोस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन कोस थीटा, फिर कोस का मल्टीप्लाई साइन के साथ, बीच में आता है प्लस, कोस का मल्टीप्लाई साइन के साथ, कोस थीटा साइन थीटा आ गया, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे रो का, दूसरी रो का करेंगे पहले कॉलम के साथ, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, माइनस कोस थीटा प्लस का साइन बीच में, फिर साइन थीटा अब देखो आगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, जब भी अपने जैसे एक्स इंटू एक्स करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाता है, वैसे ही अगर साइन इंटू साइन करेंगे तो ये साइन स्क्वेयर हो जाएगा, फिर सेम कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वेयर हो जाएगा। अब ये देखो साइन थीटा साइन थीटा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट है। मैंने जब बताया था कि जब भी साइन अपोजिट हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन करेंगे तो जीरो आता है, वैसे ही अगर ये दोनों सेम है और इनके अपोजिट साइन में है तो क्या कर देंगे अपने, इनको कट कर देंगे, तो कट कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी है कि दोनों सेम है और साइन अपोजिट है प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, कोस का मल्टीप्लाई कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि टेंथ की एक अपने फॉर्मूला होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है वन, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी जगह पे वन पुट कर देंगे, तो कर देंगे वन, इसकी जगह पे भी वन क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव है,
तो जब भी पॉजिटिव नंबर हो तो उसके आगे क्या आ जाता है, वन आ जाता है, और स्क्वेयर लगी हो तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन, कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन, तो अपने पास क्या आ गया 1100। ये अपने पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई किसकी, 2×2 की। तो ये अपना आंसर आ गया। अब आप कर लोगे, ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। देखिए पहले क्या दिया हुआ, साइन कोस माइनस कोस साइन थीटा, है ना, तो इस हिसाब से अपने को अब आपको ए की स्क्वायर फाइंड अपने आप करनी है, ए का मल्टीप्लाई सिर्फ ए के साथ करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है तो कर लेना। आगे चलते हैं अपने, देखो भाई ये क्वेश्चन अपने आप करना है, मैंने आपको कई मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन दे दिए। अब यहाँ पे 3×3 की दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और वो कहता है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, पहले अपने ए बी को रख के फाइंड कर देंगे, फिर अपने बी ए को रख के फाइंड कर देंगे और देखेंगे कि इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो नॉट इक्वल, लेकिन कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये दोनों इक्वल पूछे जाते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपने खुद से अटैम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। अपने चलते हैं आगे, अब आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, देखो कि अपने को इसके अंदर या तो डेल्टा से शो करते हैं या फैक्टोरियल ए से शो करते हैं या डिटर्मिनेंट ए से शो करते हैं, तो इसमें अपने को ये सब फाइंड करने होते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होते हैं, देखो जैसे अपने पास 2×2 का ये डिटर्मिनेंट दे दिया, इसमें ये सीधी लाइनें दे दी होती हैं ब्रैकेट्स में, यहाँ पे साइन कोस माइनस कोस साइन दे दिया, तो क्या करते हैं सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई यहाँ पीछे से स्टार्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस का मल्टीप्लाई कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और जब भी अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो चीज़ों का तो हमेशा बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, जब भी अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस का साइन आएगा, अगर इनके साथ कोई माइनस है वो तो रहेगा रहेगा, उसको अपने ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, अभी मैंने आपको एक ये बताया था अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि अपने पास दे दी यहाँ पे 2×3−2, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें सिर्फ इधर क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे ये लिख दिया, और जैसे ये क्वेश्चन दिया होगा बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, इसके आगे अपने आप यूं यूं डॉट डॉट लगा के लिख देगा, या कह देगा डेल्टा फाइंड करो, या कह देगा डिटर्मिनेंट फाइंड करो, या कुछ भी ना कहे, जैसे ये क्वेश्चन अपने देखेंगे तो सीधा अपने को एक ही ध्यान में रहना चाहिए कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा इसमें आगे कुछ नहीं लिखा होगा, या तो अपने पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, या MCQ में आ सकता है, या अपना जैसे कि 2 नंबर में भी आ सकता है, तो सीधा जैसे ही क्वेश्चन आए और उसके कुछ ना लिखा हो, सीधा लिखा हो फाइंड या इवेलुएट करो, तो इसका मतलब है कि अपने को सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, बीच में हमेशा मैंने बताया माइनस आएगा, माइनस आ गया, 1×3 तो कर देंगे 3×1 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 3+1 7 आ गया, 4+3 7 आ गया। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखो ये 2×2 तो बिल्कुल सिंपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का 2 के साथ किया 4 2 1 जा 2, और बीच में साइन हमेशा माइनस का, 4 − 2 2 आ गया। ये तो थे अपने 2×2 मैट्रिक्स के, अब अपने देखते हैं 3×3 मैट्रिक्स के। देखो भाई जब भी अपने पास 3×3 मैट्रिक्स के होते हैं तो सबसे पहले अपने को साइन ध्यान में रखते हैं, जो यहाँ पे पहले होते हैं इनको अपने इनकी ये पोजीशन नंबर दिए होते हैं, A11, A12, जैसे AIJ दिया होता है, तो ये निकालने अपने को 12th में सिखाए जाते हैं, तो आपको इतना कोई इस पर कोई वो ध्यान नहीं देना, अपने को सीधा याद रखना है A11 इसकी पोजीशन होती है, A12 इसकी होती है, A13 जो ये रो फर्स्ट रो कॉलम में आ रहा है तो ये 1-1 हो गया, ये रो फर्स्ट कॉलम सेकंड में आ रहा है तो ये 1-2 हो गया, आगे वाला रो को शो कर रहा है, पीछे वाला कॉलम को शो कर रहा है, अब ये तीसरे पे आ गया, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो क्या आ गया A13 आ गया, तो इस हिसाब से इनके पोजीशंस होती है, तो
तो रख दिया पोजीशन सेम है सभी की, इसकी ए टू वन आ गई, टू रो आ गई फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम आ गया, तो ए 23 आ गया। तो इस हिसाब से इन सभी को अपने नंबर देते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले आता है वो होता है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ये साइन ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तब देखो मैंने ये माइनस प्लस लगाए कैसे हैं, आपको अगर याद नहीं रहता है तो आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जैसे ये वन और ये क्या लिखा हुआ है, वन वन लिखा हुआ है ना, तो अपने क्या करेंगे कि इस वन वन का वन प्लस वन करेंगे, तो ये क्या आ गया टू, और टू क्या होता है, इवन नंबर होता है। जब भी किसी के योग, जब भी किसी दो चीज़ों का सम इवन नंबर आएगा तो उसके आगे हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जब दो चीज़ों का योग ओड नंबर आएगा तो उसके आगे माइनस आएगा। फिर ये देखो वन यहाँ पे क्या आ रहा था, वन प्लस टू क्या होता है, थ्री होता है, ये एक ओड नंबर है तो ओड नंबर आएगा तो इसके आगे माइनस आ गया, अगर यही इवन नंबर आएगा तो इसके आगे प्लस आ गया, ठीक है। तो ये इस हिसाब से चलती हैं। तो अब देखो ये प्लस ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस आता है, मैंने बताया था जब भी दो चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच में हमेशा माइनस आएगा, लेकिन ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये अपना सिर्फ पहली रो का है। अब देखो अपने पास थ्री इंटू थ्री का ये दे दिया भाई, थ्री इंटू थ्री का दे दिया, और अब इसमें से इवेल्यूएट करना है अपने को, डिटरमिनेट डेल्टा निकालना है, यानी कि डिटरमिनेट ए निकालना है, इसको ए इक्वल दे दिया मान लो, तो ए डिटरमिनेट ए निकालना है, या कुछ भी ना देके सीधा अपने को पूछा गया तो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो या तो इस रो को उठाएंगे या इस रो को उठाएंगे या इस रो को उठाएंगे, कोई भी अपने रो उठा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं सबसे पहली रो ही उठाऊँगा क्योंकि ईजी होता है, ज़्यादा कुछ अपने को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उठाते हैं, जैसे ही मैंने इस टू को बाहर लिया, जैसे ही मैंने इस टू को बाहर लिया तो इसके जो भी सीध में आ रहा है वो क्या हो गया, हाइड हो गया अपने लिए, वो हो गया हाइड, और जो भी नंबर अपने लिए बचे उसको अपने बाहर लिख देंगे। यहाँ पे वन वन और जीरो वन बचा था, सेम का सेम लिख दिया, और इसके आगे प्लस आएगा, मैंने बताया था यहाँ पे प्लस होता है तो टू प्लस का आ गया। फिर आगे करते हैं, यहाँ पे वन, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, वन थ्री, ये माइनस बन रहा है तो इसके आगे माइनस लगा दिया। तो अब जब वन बाहर लेंगे तो ये और ये हाइड हो गया, तो अपने पास क्या बचा, टू वन थ्री वन, सेम यहाँ पे लिख दिया, ये अपने पास रो और ये अपने पास कॉलम हाइड हो गया। जैसे ही अपनों ने वन बार लिए, जो भी इनके रेडार में आएगा वो क्या हो जाएगा, अपने लिए कांस्टेंट हो जाएगा, हाइडन कर देना अपनों ने। फिर अपने चलते हैं आगे, अब अपने थ्री को बाहर लेंगे, यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है तो प्लस ले लिया, थ्री को बाहर ले लिया तो लिखते हैं थ्री प्लस, थ्री आ गया प्लस का, जब थ्री बार लिया तो इसके साथ वाले क्या हो गए, हाइड हो गए, तो अपने पास क्या बचा, टू वन थ्री जीरो, तो सेम लिख दिया। अब आगे वही सेम वर्क करना है अपने को, टू का टू सेम लिख देना है। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई पीछे से, वन इंटू वन जीरो वन जा जीरो, और बीच में हमेशा साइन माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ऐसे ही इसमें होगा, माइनस वन सेम का सेम लिख देंगे अपने, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, टू वन जा टू थ्री वन जा थ्री, बीच में माइनस का साइन, फिर प्लस का थ्री सेम का सेम, जीरो का टू के साथ जीरो, थ्री वन जा थ्री, तो ये आ गया अपने पास। देखो वन माइनस जीरो वन, तो टू वन जा टू आ गया, वैसे ही माइनस वन का माइनस वन, टू में से माइनस थ्री गए तो माइनस का बड़ा माइनस का साइन आएगा, तो थ्री में से टू गए वन बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा। यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे माइनस का थ्री बचेगा, मैंने बताया था जीरो में कोई भी डिजिट जुड़ती है तो सेम साइन के साथ ही रह जाती है, तो यहाँ पे माइनस थ्री रह गया। अब माइनस थ्री का थ्री के साथ किया, थ्री थ्री जा नाइन, तो प्लस माइनस माइनस, टू वन जा टू माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन थ्री थ्री जा नाइन प्लस माइनस नाइन। अब ये देखो टू प्लस वन हो गया थ्री और ये आ गया माइनस नाइन, तो यहाँ पे बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस का साइन आके माइनस का छः हो गया, नाइन में से थ्री गए माइनस का छः। तो आगे चलते हैं, तो ये तो थे अपने डिटरमिनेट फाइंड करने, है ना, ये तो था अपना डिटरमिनेट फाइंड करना। अब अपने पास आता है एक ए इनवर्स फाइंड करना, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं देखो।
ए इनवर्स, इसको यूं लिखा होगा कि इनवर्स फाइंड करो। अपने पास ये 15 नंबर का क्वेश्चन 3 साल से रेगुलरली आ रहा है आपके एग्ज़ाम में, तो इस बार भी आने की उम्मीद है। तो देखो कैसे होता है ये, ट्वेल्थ के लिए भी अच्छा है क्वेश्चन है, क्योंकि ट्वेल्थ में भी अब यही बचा है, क्रैमर रूल तो दोनों में हट चुका है, तो यही आएगा। देखो क्या करना होता है इनवर्स में, अपने पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एडजॉइंट ए बटा में फैक्टोरियल ए। अब आप ये मत सोचना कि फैक्टोरियल ए का मतलब होता है कोई भी वैल्यू माइनस में आती है तो वो प्लस में हो जाती है ना, जब भी अपने ये सीधे डंडे में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, मैथ में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने पास सिर्फ एक साइन है शो करने का डिटर्मिनेट को, ये इसको अपने यूँ भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेट ए लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ये सिर्फ एक साइन है इनको शो करने का। तो देखते हैं इनवर्स का फॉर्मूला हो गया एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। 2 × 2 में तो बिल्कुल ईजी है कि जैसे अपने पास ए 1 1 दिया हुआ है, ए 1 2 दिया हुआ है, 2 × 2 में देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपने निकालने के लिए सबसे पहले अपने फैक्टोरियल ए निकालते हैं, यानी डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालते हैं। तो निकालते हैं डिटर्मिनेट ए, में निकालना बताया हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 का 3 के साथ किया, 8 × 3 = 24, 6 का 4 के साथ किया 24 ये आ गया 0। जब भी ये 0 आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी अपने ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही अपने इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेट ए आ गया अपने पास 0 के इक्वल, अगर डिटर्मिनेट ए के जो आता है अपना 0 के इक्वल आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स का अपने कभी भी इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो इसका अपने इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे इसमें अपने को दे दिया 4 7 2 6, वो कहता है फाइंड ए इनवर्स, तो वही है फॉर्मूला ए इनवर्स फाइंड करने का, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटा में फैक्टोरियल ए या डेल्टा ए, जो भी लिखना हो लिख सकते हो आप। अब देखो पहले यही निकालेंगे अपने, 6 × 4 = 24, बीच में हमेशा माइनस आता है मैंने बताया, तो 7 × 2 = 14, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 10 जो नॉन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका अपने इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 2 × 2 की मैट्रिक्स में, देखिए कैसे करेंगे 2 × 2 की मैट्रिक्स में इनवर्स, बस कुछ भी नहीं करना होता एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए। जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो इन जो बीच वाले नंबर हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 आ गया ऊपर और 6 को 4 लिख दिया, ठीक है, इनकी सिर्फ अपने को पोजीशन चेंज कर देनी है। देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, तो इस 4 को अपने क्या ले आए, इस 4 को कहाँ ले गए, नीचे ले गए, और इस 6 यहाँ पे 6 था, इस 6 को कहाँ ले गए अपने, ऊपर ले गए, तो अपने पास क्या आ गया अपोजिट 4 6 की जगह पे 6 4 लिख दिया। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जैसे कि 7 और 2 पॉजिटिव नंबर हैं तो इसको नेगेटिव में कर देना, अगर नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव में कर देना है, बस अपना क्या करना है एक साइन चेंज करना है। यहाँ पे 2 और 2 दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों को क्या कर दिया अपनों ने, नेगेटिव में चेंज कर दिया, -7 और -2 लिख दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए आ गया तो इसको बस वैल्यू पुट कर देनी है अपने को, पुट कर देंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू, ए इनवर्स क्या आया था फैक्टोरियल प्लस 10 आया था, डिटर्मिनेट ऑफ ए रख दिया, यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या आ गया 6 -7 -2 और 4, अगर आप चाहो यहाँ पे रख दो, अगर नहीं चाहते तो अंदर 1/10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 का 10 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, 7 के साथ भी 10 डिवाइड में, और 2 के साथ भी 10 डिवाइड में, और 4 के साथ भी 10 डिवाइड में, और अपने जानते हैं जब भी नीचे 1 0 तो वो कटती है तो आगे क्या आ जाता है पॉइंट का साइन आ जाता है, और बाकी सेम का सेम। तो ये आगे अपने 2 × 2 की मैट्रिक्स पे इनवर्स फाइंड करना, और जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो आपका 3 × 3 का आएगा 15 नंबर में, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पास करवाने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखो अपने पास ए दे दिया 1 2 3 0 1 4 5 6 0, तो अपने पास ए इनवर्स आ गया 1/(factorial A) एडजॉइंट ए। अब पीछे तो अपने क्या करते थे, सिर्फ पोजीशन चेंज की और एडजॉइंट ए फाइन कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। 3 × 3 में पोजीशन तो इसमें भी चेंज होगी, लेकिन पहले अपने को एडजॉइंट ए के को फैक्टर्स निकालने होंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होती है। को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखो सबसे पहले अपने निकालेंगे वही ए, डिटर्मिनेट ए निकालेंगे। तो निकालते हैं डिटर्मिनेट ए, ए वन को बाहर लिया, जब वन को बाहर लिया तो ये क्या हो गया अपने हाइड हो गए, वैसे ही 1 और 6 4 0 बाहर आ गया सेम का सेम। ऐसे ही फिर जब 2 को बाहर लिया अपनों ने तो यहाँ पे माइनस आता है 2 के आगे, बीच में बताया था तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे ये दोनों हाइड हो गए और इसको सेम 0 5 और 4 0 पुट कर दिया। फिर अपने लेंगे 3 और 3 हमेशा लेते हैं पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव ले लिया, जब ये लिया ये और ये हाइड हो गए तो अपने पास क्या बच गया 0 5 1 6, तो ये आ गया। अब चलते हैं आगे, देखो वही क्रॉस मल्टीप्लाई पीछे से करना होता है, 0 का 1 के साथ 0 6 का 4 के साथ -24, तो 0 -24 आ जाएगा, 0 का 0 के साथ 6 का 4 के साथ -24, 1 का 1 -2 आ गया, 0 का 0 के साथ 0 4 का 5 के साथ -24, 5 जा 20, +5 6 का 0 के साथ 0 4 1 जा 5 1 जा 5 -का। तो देखते हैं यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या आ गया -का 24, ये माइनस का है ये माइनस का है, +2 20 आ गया। देखो अब यहाँ पे ये कैसे आया, -2 है, ये 0 -20 करेंगे तो यहाँ पे -20 रह जाएगा, माइनस का माइनस के साथ किया +20 का 2 के साथ किया 40, ठीक है, तो ये हिसाब से आया। फिर देखते हैं -5 का 3 के साथ किया -15, -24 -15 और 40, और ये क्या आ गए -24 और 15 होते हैं 39, और जब भी साइन माइनस का है तो वो जुड़ जाते हैं और साइन हमेशा माइनस का आता है, तो ये आ गया +40, तो 40 में से 39 गए, अपने पास बचा 1। ये क्या है, नॉन इक्वल्स टू 0 है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे चलते हैं, ये आ गया अपने पास। अब देखो अपने को क्या निकालना होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होती है। को फैक्टर मैट्रिक्स यानी कि अपने पास A11 की वैल्यू, A12 की, A13, इन सभी के को फैक्टर निकालने हैं, जो भी अपने पोजीशंस है ना। अब 3 × 3 किया तो 3 × 3 की मैट्रिक्स में यही इनकी पोजीशंस बनती हैं सभी की, तो इनकी पोजीशंस निकालनी है, इनके को फैक्टर्स निकालने हैं, और उन को फैक्टर मैट्रिक्स का अपने ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपना एडजॉइंट ए आ जाएगा, है ना। पहले को फैक्टर इन सभी की वैल्यू निकालनी है, फिर उस उसका क्या कर देना है, उसको फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने एडजॉइंट, है ना, को फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे को फैक्टर निकालते हैं अपने A11 के, पहले सबसे पहले अपने को ये देखना है 1 + 1, ये एक इवन नंबर है, तो उसके आगे क्या आता है, प्लस आता है, तो अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे जब भी को फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। को फैक्टर में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब मैंने ये साइड में इसको एक बार लिया है, ऊपर रखा है, ये देखो वो क्वेश्चन को। अब जैसे अपने A11 इसकी पैलेस वैल्यू निकाल रहे हैं A11 की, तो ये जो भी इसके सीध में है, जो भी इसके लाइन में रो और कॉलम आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, और जो भी वैल्यूज बचेंगे उसको अपने यहाँ पे लिख लेंगे 1 6 4 0, ठीक है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से 0 1 जा 0 6 4 जा -24, तो -24, तो A11 का कोफैक्टर क्या आ गया, -24। फिर अपने निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 का। अब A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 1 + 3 2 टोटल क्या इतने होते हैं 3, और 3 एक ओड नंबर है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया है अपनों ने, माइनस लगा दिया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो वही जब 2 लिया तो ये और ये क्या हो गया अपना, हिडन हो गया, क्योंकि A12 का पैलेस वैल्यू 2 है, तो ये टोटल क्या हो गया, हिडन हो गया। उसमें तो क्या करते थे अपने, जब डिटरमिनेंट लेते थे तो इस 2 को भी बाहर लिखते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, 2 को नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ ये हिडन हो चुका है, ये टोटल रो और कॉलम टोटल हिडन हो जाता है। फिर जो वैल्यू बचती 0 5
और 4 0 है ना, इसको लिख लिया फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0 जा 0, 5 4 जा 20, या माइनस 12 ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा है ना, माइनस का 20 और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर आगे करते हैं तो कोफैक्टर ऑफ A13, अब A13 की पैलेस वैल्यू ये है 3 है ना, तो 3 वाला कॉलम और 3 वाली रो हिडन हो गई, तो बाकी जो भी अपने बचे वहाँ पे लिख लेंगे 0 5 1 6 लिख लिया। फिर वही यहाँ पे पहले यही सबसे पहले ये देखना है कि इनका सम क्या बन रहा है, इनका सम बन रहा है एक इवन नंबर तो यहाँ पे आ गया प्लस। फिर 6 0 6 5 1 जा 5 वही है तो आ जाएगा माइनस का 5। फिर अपने निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A21, अब A21 का पैलेस वैल्यू ये है ना 0, तो इसके भी जो भी रडार में आएगा जो भी कॉलम और रो आएगी वो हिडन हो गए, जिस भी कॉल और रोलम से इसको अपनों लिया है, जिस भी कॉलम या रो से अपनों ने इसको लिया है वो क्या हो गई, हाइड हो गई। अब वो हाइड हो गई तो फिर क्या बचा, 2 6 3 0, तो 2 6 3 0 यहाँ पे राइट कर दिया अपनों ने, वही फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 2 0 6 3 18, वही यहाँ पे भी ये नंबर एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 18 आ गया। फिर करते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देखो कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं अपने, अब A22 का कोफैक्टर, A22 यहाँ की पैलेस वैल्यू है तो ये और ये वाला कॉलम क्या हो गया, हिडन हो गया, जो कि ये पैलेस वैल्यू वो वाली रो और वो कॉलम हिडन हो गया, तो अब क्या बचा अपने पास 1 5 3 0 लिख लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 15, तो अपना क्या आ गया माइनस 15 आ गया। फिर अपने कोफैक्टर निकालेंगे A23 का, तो A23 कहाँ की है हिडन, कहाँ की वैल्यू है, A23 ये रही 4, यहाँ पे आता है A23 क्योंकि A23 का मतलब हो गया कि ये आगे वाला अपना रो और ये कॉलम, तो ये सेकंड रो है ये थर्ड कॉलम है तो इसी में करता है वेरी, तो वो हो गया। अब इस ये जब अपना हिडन हो गया तो क्या बचा 1 5 और 2 6, और वही ये एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे आ गया माइनस। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 5 2 जा 10 और बाहर माइनस है ही है तो 6 में से 10 गए तो माइनस का 4 आ गया, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। ये तो हो गया अपने कोफैक्टर ऑफ A23 तक, अब आगे निकालते हैं। अब कोफैक्टर निकालेंगे A31 का, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया A31 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो 31 का मतलब ये है A31 पे यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम, तो A31 पे आता है तो इसको और इसको हाइड कर देंगे, अब ये हाइड हो गए तो फिर इसके बाद अपने क्या लिखेंगे 4 2 1 और 3 4 आ जाएगा ना, 2 1 3 4 आ जाएगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 3 1 जा 3 क्या आ गया 5 A32। अब A32 क्या है, यहाँ पे A6 आ रहा है तो 6 वाली क्या हो जाएगी अपनी हाइड हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 0 3 4 और ये क्या होता है 5 5 एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे आ गया माइनस पहले बार, फिर 4 1 जा 4 0 3 जा 0 तो क्यों 0 से जो भी अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 4 आ गया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A33 निकालेंगे, तो A33 कोफैक्टर में क्या आता है 0 उसकी पैलेस वैल्यू है ना, तो 0 वाली जो भी रो है और कॉलम है हाइड हो गए, तो जो भी अपने पास नंबर बचे उसको लिख लेंगे 1 0 2 1 1 0 2 1, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई पीछे से 1 1 जा 1 0 2 जा 0 तो क्या आ गया 1, ये भी एक इवन नंबर था तो यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। आगे चलते हैं, जो भी अपने कोफैक्टर्स आए थे है ना, तो अब उनको इसमें पुट कर देना, जैसे A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। अब तो पुट करके सारी वैल्यूज़ जो भी आएगी वो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी अपनी, जो भी अपनों ने वैल्यूज़ निकाली, फिर उसका क्या कर देना है अपनों ने ट्रांसपोज कर देना है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास -24। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना, इस रो को कॉलम में चेंज कर देना, इस रो को कॉलम में चेंज कर देना, तो ये अपना आ गया एडजॉइंट ए आ गया।
जब अपना एडजॉइंट ए आ गया तो अब अपने क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। वन अपॉन वन फैक्टोरियल ए, ये आया था अपना वन, और ये एडजॉइंट ए अपनी ये वैल्यूज जो आई है इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये अपना आंसर हो गया। तो मेरे चैनल के साथ आगे भी जुड़े रहिए, आपको मैं पूरी कंप्लीट मैथ बीएससी की करवाऊंगा, तो आगे भी जुड़े रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जितना ज़्यादा लाइक और शेयर होगा उतना ही अच्छा हमें लगेगा और उतना ही अच्छे से हम पढ़ा पाएंगे। और अगर हो सका तो मैं आगे बोर्ड का ही भी यूज़ करूँगा कि जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा तो मैं बोर्ड की व्यवस्था करके जो भी अपने हैं सारी व्यवस्थाएँ कंप्लीट करके आपको उस हिसाब से और अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।